विनोद श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं ये इनकम टैक्स की रेट को? इसमें सीधी सी बात एक ही कही जा सकती है कि जो सच बोलेगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। आप 2014 के बाद से देखिए, जिस तरीके से मीडिया का, स्वतंत्र पत्रकारिता का पतन हुआ है, वो अपने आप एक बड़ी शोचनीय और चिंतनीय बात है। भास्कर ने करोना काल से लेकर के अभी पिगाजस जासूसी कांड जो हुआ था, उसमें उसने बड़ी क्रांतिकारी खबरें छापी और उन खबरों का लोगों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उससे पहले ही आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में सरकार ने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो भास्कर ने एक एक करके सारी चीजें इतनी विस्तार से छापी थी जो शायद सरकार को नागवार गुजरी। कहने के लिए तो हर बार यही कहा जाता है कि हमारी एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। माना व्यावसायिकता है, विज्ञापन बिजनेस करना आज के समाचार प्रतिष्ठान की मजबूरी है। सवाल यह है कि जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं समाचार पत्र, उन्हीं के खिलाफ छापे क्यों पड़ते हैं? भारत समाचार, उसने कोरोना के लिए अपने सीमित संसाधन में उसने जिस प्रकार से कवरेज करी, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर के, वो अपने आप में ही लोगों की आंख खोलने वाला था। और वो ऐसी खबरें थी जो निश्चित रूप से सरकार को पसंद नहीं आने वाली थी। तो इसमें एक सीधी बात है कि जो हमारे विचार के खिलाफ काम करेगा, जो हमारी सरकार के खिलाफ काम करेगा, जो बोलेगा, जो सच दिखाने की चेष्टा करेगा, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। और यही इन दोनों समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल के मामले में भी हुआ है। यही हुआ है जी।